वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. यस, दीपक, सुचित्रा, स्वाति, जस्ट वन ऑफ यू लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड वेदर द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू सो दैट वी कैन बिगिन विद टुडेज सेशन. जस्ट वन ऑफ यू कैन लेट मी नो. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? इन द चैट बॉक्स, इन द लाइव चैट बॉक्स, just one of you can let me know whether I am audible and whether the screen is clearly visible to all of us. चलिए, all good, so we can start with the session. So basics पढ़ने वाले हैं आज हम, the very basics which if you are from commerce background you must have you know studied these basics in your 11th and 12th standard. तो वही basics हम आज cover करने वाले हैं, ठीक है? So we'll make this session a bit interactive. तो जो भी doubt होगा आप लोग मुझसे पूछते रहिएगा side by side, okay? Interactive रखेंगे session को, जितना maximum हम cover कर पाएंगे आज cover करेंगे. और this particular topic basics we will cover in two lectures, one in today and one on Wednesday, ठीक है? कल एक doubt session रहेगा because every Tuesday we will having a doubt session. तो हर Tuesday को doubt session रहेगा. And today one session of basics and on Wednesday another session on basics. चलिए, so starting with, see these are the various topics which we are going to cover in these two sessions, today and Wednesday. So introduction, functions, bookkeeping, objectives of accounting, sub disciplines, basic accounting terminologies, terms, okay, accounting principles, basis of accounting, cash and accrual, then accounting equation and rules of debit and credit. Apart from that, some more topics like journal, ledger, cash book, ठीक है, subsidiary, trial balance, depreciation, types of errors, provisions, financial statements of a sole proprietorship, company का हम separately discuss करेंगे in future sessions about the company and adjustment in preparation of financial statements. Okay, so this is all we are going to cover. So starting with the introduction and meaning, I think this is very very self evident for those of us जो पहले पढ़ चुके हैं and those of you who are स्टडिंग अकाउंटेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो लोग बेसिकली ज्यादा ध्यान से सुनेंगे. वॉट इज अकाउंटेंसी? इट इज बेसिकली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, तो हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है? उस प्रॉपर रिकॉर्ड रखने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं. दैट फ्रॉम हुम वी बॉट द मटीरियल, टू हुम वी सोल्ड द गुड्स, किससे माल खरीदा, किसको माल बेचा, किसको सैलरी दी, किसको पेमेंट करी हमने, ओके, ऑल दोज ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लेके आए, तो उन सभी की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है? एंड फादर ऑफ अकाउंटिंग, सो लुका पैसिओली, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग. तो जो मॉडर्न अकाउंटिंग, जो डबल एंट्री सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो इट इज बेसिकली सेड दैट लुका पैसिओली ऑफ इटली, ही बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो दिस अकाउंटिंग, इट इज आर्ट ऑल्सो एंड इट इज अ साइंस ऑल्सो. अब यहाँ पे समझना जरूरी है, why is it an art and why is it a science? Now what is a science? Science is basically a systematic body of knowledge. हम साइंस किसको बोलते हैं? Okay, physics, chemistry, biology, botany, zoology, इन सबको साइंस क्यों बोलते हैं? Because it is a systematic body of knowledge backed by research, okay, and we can prove it with the help of experiments in the laboratories or in the field, okay. So accounting is also a science. और जो अकाउंटिंग की साइंस होती है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी. उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर स्लाइड्स, ओके. एंड व्हाई इज इट कॉल्ड एन आर्ट? अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोलते हैं? देखो, आर्ट क्या होती है? व्हाट इज एन आर्ट? आर्ट इज बेसिकली योर एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स. आपके पास जो स्किल्स होती है उसको आप अप्लाई करते हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट. टू गिव एन एग्जाम्पल, अब इन योर स्कूल्स और इन योर कॉलेज लाइफ you must have come across various teachers, but all the teachers have a different way of teaching, different style of teaching, that is called an art, okay? So teaching is an art, okay? Various professions, they are art also and science also. Similarly with accounting, it is an art. Why? Because different accountants or different, you can say, chartered accountants or different accountants, they use different styles, different methods, okay? Har kisi ka analyze karne ka tarika alag hota hai, okay? The information is same, but analysis will be done differently by different people. That is why it is both an art as well as a science.
बट नाउ इफ वी लुक इनटू दिस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन डिटेल, अकाउंटिंग होता क्या है अगर इसको डिटेल में समझेंगे, सो देर आर दीज सेवन स्टेप्स, देर आर दीज सेवन स्टेप्स. नंबर वन, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग. तो क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन. सो इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो, कि हम क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल चीजों को इग्नोर कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग देम. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? मेजरिंग देम इन मनी, मनी टर्म्स में उनको मेजर करना, मेजरिंग इन मनी टर्म्स, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग. आफ्टर रिकॉर्डिंग कम्स क्लासिफाइंग. अब क्लासिफाइंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग बेसिकली मींस कि आपने यहाँ पे मेजर कर लिया मनी टर्म्स में, मतलब यहाँ पे आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली इन जर्नल. जर्नल एक बेसिकली बुक होती है, बही खाता होता है, जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं. जर्नल में लिखने के बाद क्लासिफिकेशन, मतलब यहां से आप पोस्टिंग करते हो लेजर में. ये सारे के सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो जर्नल के बाद हम जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी हमने एंट्री पास की होती है, उसको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस. आफ्टर लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. ओके, आफ्टर ट्रायल बैलेंस व्हाट वी डू, वी समराइज. वी समराइज द ट्रांजेक्शन विच वी हैव रिकॉर्डेड. एंड समराइज मीन्स वी प्रिपेयर बेसिकली टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. वॉट आर दोज टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो फॉर अ सोल प्रोप्राइटर, जो एक सिंगल ओनर है, उसके लिए बेसिकली ये दो ही बहुत होती है. फॉर कंपनीज देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल वेन वी विल डिस्कस कंपनीज अकाउंट. ठीक है, आफ्टर समराइजिंग वी हैव एनालिसिस और एनालाइजिंग. एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं? We try to analyze whether our profits are going up, our profits are going down, whether we have a lot of surplus cash, क्या हमारे पास working capital की कमी थी, working capital ज़्यादा था, मतलब each type of analysis, whether we have taken a lot of loan, तो all the analysis of balance sheet and profit and loss we do in this stage, stage number 5. After that, stage number 6, interpretation. एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे दैट हमें क्या करना है फ्यूचर में. बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस व्हाट करेक्टिव एक्शन वी शुड वी कैन टेक. ठीक है, दैट इज इंटरप्रिटेशन. दिस इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फॉर अदर स्टेक होल्डर्स. एंड फाइनली यू विल कम्युनिकेट. जो भी आपने अपना एनालिसिस किया, जो भी आपने समराइज किया, उस समरी को, उस एनालिसिस को यू विल कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड यूजर्स. Now there are various users of accounting information like management, employees, investors, government for tax purpose. So उन सभी users को हम communicate करते हैं through publishing your financial statements. को आप publish कर देते हो in a national newspaper. उस तरीके से हम लोग कर देते हैं. Okay? चलिए. So these are the basic functions of accounting. यहाँ तक किसी को कुछ भी doubt है? If anybody has any sort of doubt at any stage, guys, do not hesitate. द पर्पज ऑफ लाइव सेशन इज दिस ओनली कि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो. पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो लाइव सेशन का पर्पज पूरा नहीं होगा. सो दीज लाइव सेशन आर बेसिकली मेंट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दैट यू आर वर्किंग एस्पिरेंट्स मोस्ट ऑफ यू एंड ऑल्सो सो दैट वी कैन हैव अ लाइव इंटरेक्शन. दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर लर्निंग. ठीक है, आफ्टर दैट अकाउंटिंग साइकिल. नाउ अकाउंटिंग साइकिल इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू योर अकाउंटिंग फंक्शन. जो सात फंक्शन हमने डिस्कस करे हैं, अकाउंटिंग साइकिल उन्हीं सात फंक्शन को लेकर बात करती है. So what are those seven, what is the accounting cycle? It comprises of these five steps. ये पांच step होते हैं accounting cycle में. So what is it? First of all, financial transaction. तो जो financial transaction है उसको identify करोगे. Identification, जो हमने discuss किया in the previous slide. After that, you will record them in the journal. Journal में उनकी entry करोगे, उनकी recording करोगे. You will pass journal entries, okay? After that, you will post. You will make posting into ledger. What is ledger? Ledger is basically a type of account. इसको हम discuss करेंगे in detail in our future slides. So it is like an account. So you first record the transaction and then you transfer the transaction in the ledger. Okay, ledger are respective accounts of different your debtors, creditors, cash account, different accounts. Okay, after you have done posting to ledger, then you will go to trial balance. What is trial balance? Trial balance is basically a summary
इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द अकाउंट्स. जितने भी अकाउंट्स आप बनाते हो लेजर में, लेजर कंटेन सो मेनी अकाउंट, तो जितने भी आप लेजर में अकाउंट्स बनाते हो उनकी समरी बनती है ट्रायल बैलेंस में. ओके, द समरी कम्स इन टू द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो एज आई टोल्ड यू, बैलेंस शीट, टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. दिस कंप्लीट योर अकाउंटिंग साइकिल. ओके, नाउ मूविंग ऑन. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. दीज थ्री टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आ सकता है. देखो बेसिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बेसिक्स को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो इफ यू डू नॉट कवर द बेसिक्स आपको एडवांस टॉपिक भी समझ में नहीं आएंगे. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. सी एज आई टोल्ड यू द एट सेवन और द एट स्टेप्स. सो द फर्स्ट फोर स्टेप्स दे कम अंडर बुक कीपिंग एंड द लास्ट फोर स्टेप्स दे कम अंडर अकाउंटिंग. पहले के चार हमारे बुक कीपिंग में आ जाते हैं और लास्ट के चार जो है वो हमारे अकाउंटिंग में आ जाते हैं. सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुककीपिंग एंड्स. जहां बुककीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. एंड इन सम प्लेसेस इन सम बुक्स यू विल आल्सो फाइंड दैट दे विल से बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा भी मिलता है. ओके, सो द इनिशियल फोर स्टेप्स विच आर वेरी वेरी क्लेरिकल इन नेचर, जहां पे आपको अपना माइंड ज्यादा यूज नहीं करना होता. सो फॉर आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग यू डू नॉट रिक्वायर मच एनालिसिस. ओके, बहुत एनालिसिस नहीं करना है, बेसिक रूल्स पता है तो कर लोगे. सो दिस इज अ क्लेरिकल, मोर ऑफ अ क्लेरिकल जॉब एंड दिस इज डन बाय अ बुककीपर. दिस इज डन बाय अ बुककीपर. बट द नेक्स्ट फोर फंक्शंस, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, विच आर मोर एडवांस फंक्शंस, दे आर डन बाय एन अकाउंटेंट. ओके, दे आर डन बाय एन अकाउंटेंट. सो वंस बुककीपिंग एंड्स then accounting starts. And what is accountancy? As I told you, what is accountancy? Accountancy is a body of knowledge. Accountancy is a body of knowledge. It contains the various concepts, various principles of accounting. कौन से concepts हम follow करते हैं accounting में, कौन से principles हमको follow करने होते हैं. All such information, theoretical knowledge is contained in the field of accountancy. Okay? So far so good. यहाँ तक कुछ भी doubt है you can ask me. Otherwise we can proceed to the next slide. ठीक है? So right now we are discussing very basic stuff, but that is important. Okay. Now objectives of accounting. What are the various objectives of accounting? Accounting हम लोग करते क्यों हैं? Okay. This is very essential question for your conceptual clarity also. See, there are four main reasons. There can be more reasons also. Okay. This is not an exhaustive list, but these are the four primary reasons. Number one, keep systematic record of business transactions. See, you cannot remember every transaction. आप हर चीज याद नहीं रख सकते. इतना super ब्रेन हमारा नहीं होता कि हम सब कुछ याद रख लें. दैट इज वाई टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस वी रिक्वायर अकाउंटिंग. ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज वेरी एसेंशियल. इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, अगर आप प्रॉफिट ही अर्न नहीं करोगे सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम अ बिजनेसमैन विल चेक वेदर हिज बिजनेस इज गिविंग हिम प्रॉफिट और नॉट. उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, After that, to ascertain the financial position of business. So, financial position कहाँ से मिलती है? Balance sheet से मिलती है. कहाँ से मिलती है? Balance sheet. Profit और loss मिलता है आपको profit and loss account से, और balance sheet से मिलता है आपको financial position. What is the position of asset? What is the position of liability? What is the position of capital? All such things. And finally, to provide information to various parties. Various parties means various users of accounting information. Internal users also and external users also. So these are the four main objectives of accounting. I hope this is very, very clear to all of us. Moving on, sub-disciplines within accounting. Accounting ke andar kaun se sub-disciplines aate hain? Ab uski baat kar lete hain. So basically there are three important sub-disciplines. These are financial accounting, cost accounting and management accounting. These are the three important sub-disciplines. Okay? विदिन अकाउंटिंग. तो इनको एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देखो तीनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. दैट इज वेरी वेरी असेंशियल. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, फाइनेंशियल पोजिशन एंड
द प्रॉफिटेबिलिटी, वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और वेदर वी आर इनकरिंग लॉसेस. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज इतना ही होता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उतना ही होता है. एंड दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी, यहाँ पे चॉइस नहीं होती, दिस इज मैंडेटरी बाय लॉ. ये कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ता है. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर बोथ एक्सटर्नल यूजर्स ऑल्सो एंड इंटरनल यूजर्स ऑल्सो. वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ओके, बैंक्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एंड हु आर इंटरनल यूजर्स? देर आर इंटरनल यूजर्स ऑल्सो. सो इंटरनल मीन्स विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इंप्लॉइज, मैनेजमेंट, ओके, टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, इंप्लॉइज, ऑल दोज पीपल. ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल यूजर्स. यू हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, दैट इज मैंडेटरी, ओके, ऑन योर वेबसाइट एंड इन द न्यूज़पेपर. एंड ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर इंटरनल यूजर्स एज वेल. बट वॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? सी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. अब दिस कॉस्ट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट द मेन इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं. एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी ओनली फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट में डिफाइन है. तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी होती है, सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, इंटरनल यूज के लिए है वो, एक्सटर्नल के लिए सबके लिए मैंडेटरी नहीं है. ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द कॉस्ट, कि हमें कितना कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं और कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं. हाउ कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन फाइनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल्सो एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट बिकम्स द इनपुट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इनपुट बन जाती है. ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कंपनी को एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, डाइवर्सिफाई करना है, वेदर वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, वेदर वी शुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट और नॉट. सो ऑल दोज डिसीजंस, वेदर रूटीन और स्ट्रेटेजिक, सो दोज आर टेकन अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड अगेन दिस इज ऑप्शनल, अगेन दिस इज ऑप्शनल, ये भी मैंडेटरी नहीं होता है. इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, बट इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस. एंड वन मोर थिंग इज दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द फ्यूचर स्लाइड्स. डबल एंट्री मीन्स दैट यू आर मेकिंग अ सिंगल ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स. वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो टू अकाउंट्स आर बींग इफेक्टेड. दो अकाउंट्स में फर्क आता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट इज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देन वॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है. सो डबल एंट्री सिस्टम इज ओनली फॉलोड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, नाउ मूविंग ऑन. तो यहां तक कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. सम बेसिक टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर. सो अप टिल हेयर, इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी. अदरवाइज वी कैन बिगिन विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हम सबको पता होनी चाहिए. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. द इंफॉर्मेशन, द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज, ओके, एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज वेरी असेंशियल इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फर्दर एडवांस टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं. सी, द बिजनेस एंड द ओनर, they are separate. Owner is separate from the business. So if owner is bringing capital, if he is bringing money, let's suppose मैं एक business का owner हूँ, ठीक है, मैं एक business start करता हूँ जूते का, ठीक है. अब मैं 10 लाख रुपए की investment करता हूँ अपने business में. उन 10 लाख रुपए में मुझे rent भी देना होगा, okay, initially, या कुछ security money दूंगा. उसके अलावा I will buy
आई विल बाय फर्नीचर, ओके, और आई विल हैव टू बाय शूज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट साइजेस. सो दैट इन्वेस्टमेंट विच आई एम डूइंग इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. ठीक है, दिस कैपिटल कैन बी इन कैश ऑल्सो और इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो. इन काइंड मतलब एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है. आप बिजनेस में कैश भी लेके आ सकते हो या आप कोई एसेट भी लेके आ सकते हो. लेट सपोज आप बिजनेस में फर्नीचर सीधा खरीद के ही ले आए, ठीक है, आपके घर में रखा था, आपने वही बिजनेस में यूज कर लिया. सो कैपिटल कैन बी इन कैश और इन काइंड. इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन योर बिजनेस, दैट इज कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल. एंड द ऑपोजिट इज ड्रॉइंग्स. अगर बिजनेस में कुछ पैसा निकालते हो, अब वो पैसे में भी निकाल सकते हो, एसेट्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, दैट इज ड्रॉइंग्स. ओके, ड्रॉइंग्स आप गुड्स के फॉर्म में भी निकाल सकते हो. जो आपका प्रोडक्ट है, अगर आप वही अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लो, दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स. ओके, देन नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. वॉट आर लाइबिलिटीज एंड वॉट आर एसेट्स? लाइबिलिटीज आर वॉट यू ओ टू आउटसाइडर्स. ठीक है, जो आपको किसी दूसरे आउटसाइडर को पैसा देना है, लेट सपोज आपने किसी से उधार में सामान खरीदा, तो दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी, बिकॉज आपको यू हैव टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. दैट इज योर लाइबिलिटी. ओके, एंड वॉट इज एसेट? एसेट क्या होता है? लेट सपोज यू ओन अ लैंड, यू ओन अ बिल्डिंग, ठीक है, यू आर हैविंग अ मशीनरी और योर स्टॉक ऑफ गुड्स, ऑल दीज आर एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? एसेट बेसिकली इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस. थ्रू एसेट्स ओनली यू आर एबल टू अर्न. एसेट्स नहीं होंगे तो रेवेन्यू कैसे अर्न करोगे? सो एसेट्स बेसिकली हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू. आफ्टर दैट वॉट इज एक्सपेंडिचर? नाउ एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ रिकरिंग नेचर. जो एक्सपेंडिचर हम डे टू डे करते हैं, लाइक वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, डेली वेजेस, पावर, ओके, ऑल दीज आर रेवेन्यू, सैलरीज, ओके. एंड वॉट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है विच इज ऑफ अ बिग अमाउंट एंड मोर ओवर इट इज वंस इन अ वाइल. यू डू नॉट मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर डेली. लाइक इफ यू परचेज अ मशीनरी, इफ यू परचेज फर्नीचर, एनी एसेट, कुछ भी आप एसेट खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. वाई? बिकॉज दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट एसेट विल गिव यू बेनिफिट इन अ लॉट ऑफ ईयर्स. आपको फ्यूचर में कई सालों तक उससे बेनिफिट मिलने वाला है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको कई सालों तक नहीं मिलता है. दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन. देन वॉट इज एन एक्सपेंस? एन एक्सपेंस इज लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दे आर ऑलमोस्ट द सेम. बेसिकली वॉट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द एक्सपायर्ड कॉस्ट. मतलब जो कॉस्ट आपने खर्चा किया और वो एक्सपायर हो गया उसी साल में. आपने सैलरी दी तो सैलरी आपने दे दी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शो हो जाएगा इन दैट सेम ईयर. दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस. लेकिन अगर आप कोई मशीन खरीदते हो और अगर उसकी लाइफ 10 साल की होती है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हम हर साल कुछ कुछ पोर्शन डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं इन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो दैट बिकम्स योर एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ पोर्शन आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेते हो, दैट बिकम्स योर एक्सपायर्ड कॉस्ट. और जो पोर्शन हमारी बैलेंस शीट में जाता है विच कैरिड फॉरवर्ड, दैट बिकम्स अनएक्सपायर्ड कॉस्ट. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज प्रॉफिट? तो हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बट इनकम और प्रॉफिट में भी फर्क होता है. सी, प्रॉफिट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट कैन बी नेट प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट कैन बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो. तो डिपेंड करेगा, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो तो आप रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस माइनस नहीं करते, आप सिर्फ माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, लेकिन इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम जनरली मींस नेट इनकम. जनरली इनकम का मतलब होता है नेट इनकम, मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए आपने अपने रेवेन्यू में से, तो आपके पास इनकम आ जाती है. ओके, देन व्हाट इज गेन? तो गेन और प्रॉफिट में फर्क है. सी, प्रॉफिट जो होता है वो एक रेगुलर नेचर का होता है. मतलब आप जो बिजनेस करते हो उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है. लेकिन गेन का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट. लेट सपोज आप कोई कोर्ट केस जीत गए, उससे आपको कुछ कंपनसेशन मिल गया, दैट इज कॉल्ड गेन. या आपने अपना कोई पुराना एसेट बेच दिया, इफ यू सोल्ड एन ओल्ड एसेट, उससे जो फायदा हो गया, दैट इज कॉल्ड गेन. तो प्रॉफिट और गेन में देयर इज दिस बेसिक डिफरेंस. देन व्हाट इज लॉस? नाउ लॉस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, गेन एंड लॉस. देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और गेन मतलब यू आर गेटिंग सम बेनिफिट, एंड लॉस इट इज जस्ट द अपोजिट. अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, देन यू विल इनकर अ लॉस.
Now what is stock and what is inventory? Now again they are used interchangeably, but इन दोनों के बीच में भी difference होता है. What is the difference? देखो stock is generally of finished goods. Finished goods का जो stock होता है generally उसको हम stock बोलते हैं. But inventory is a bigger term. Inventory में आपके पास stock of raw material, stock of work in progress, ये सारी चीजें भी आती हैं. So stock और inventory में basic छोटा सा difference होता है. Okay? Then what is bills receivable? ठीक है, बिल्स रिसीवेबल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटर्स का मतलब क्या होता है. अगर आपको डेटर्स का मतलब पता है तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब भी हम समझ जाएंगे. व्हाट इज डेटर्स? सी, इफ यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने उधार पे सामान बेचा है, इफ यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो द पर्सन और द कंपनी टू हुम यू हैव सोल्ड द गुड्स, दैट बिकम्स अ डेटर, व्हिच इट मींस दैट यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम हिम. यू your debtor owes money to you. Your debtor owes money to you. Okay? So your debtor is an asset. ये एक तरीके से आपका asset है. Okay? So this is debtor. But what is bills receivable? See, if you make a bill, अगर आप एक bill बनाते हो, see, you are the seller, you are the creditor, you make a bill of exchange and you give that bill to the debtor. वो bill बना के आप अपने debtor को देते हो and the debtor accepts the bill if he accepts the bill and returns the bill to you, then it becomes a bills receivable. तो वो क्या बन जाएगा? Bills receivable. Again, it is an asset. You have converted one asset into another asset. आपने एक asset को दूसरे asset में convert कर दिया है. As simple as that. Debtor gets converted into bills receivable. Okay? And the opposite of debtor is creditor. तो अगर आपने किसी से सामान उधार में खरीदा है, if you have purchased goods from someone on credit, then that person will be called creditor. Now it becomes a liability. It becomes a liability for you. Okay? I hope this is very, very clear to all of us. Yes, guys. So this is your now this is your creditors, right? Now what is bills payable? Now bills payable means that you are a debtor, okay? The creditor has written a bill and you accept the bill and you return the bill to your debtor, that becomes you return the bill to your creditor, that becomes a bills payable. So bills payable and bills receivable, they are opposite of each other. Then what are bad debts? If you have to receive some money from your debtor, but if that debtor is not able to pay you the money, that becomes a bad debt, that becomes a loss, and that will come in your profit and loss account. Okay, profit and loss account mein aa jayega. Bad debt account, debit. Because it is a loss, it is a expense. Then what is the meaning of insolvent? If a company is not able to meet its liability, then that will be called an insolvent. Matlab uska diwaliya nikal gaya hai. He is not able to make the payment. He has become insolvent. Okay. Then what is discount? Now discount in accounting are of two types. Cash discount and trade discount. So what is trade discount? What is cash discount? See, trade discount is a certain percentage on the list price. List price pe kuch certain percentage aap dete ho. Let's suppose the goods are of 10,000. You are giving 10% discount. So 10,000 minus 1,000 becomes 9,000. So 1,000 is the trade discount. And trade discount, okay, trade discount never comes in the books of account. Iski journal entry hum kabhi bhi nahi karte hain. Trade discount is never recorded in the books of account. But what is cash discount? Cash discount kya hota hai? This discount is given to encourage prompt payment. Jaldi payment lene ke liye hum cash discount dete hain. Like we can say to our customer that if you make the payment within 10 days, we will give you extra 5% discount. That is called cash discount. And this is always recorded in the books of account. Isko hum hamesha books of account mein record karte hain. Okay. After that, what is sales and revenue? What is the difference between sales and revenue? So revenue, it is a broader term. Ye ek broader term hai. And sales is a part of revenue. Sales is a part of revenue. Sales is only one aspect. See, sales ke through aapko revenue hota hai,
बट देर आर अदर मेथड ऑल्सो, देर आर अदर वेज ऑफ इनकम, लाइक यू कैन रिसीव रेंट, यू कैन रिसीव कमीशन, ओके, और यू कैन हैव इनकम फ्रॉम सम अदर रिसोर्सेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट. सो रेवेन्यूज कंप्राइज ऑफ ऑल द आइटम्स, बट सेल्स इज ओनली कंसर्न विद सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, राइट. देन वॉट इज अ वाउचर? वाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज द बिल और द सोर्स डॉक्यूमेंट जिससे आप अपनी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो, ओके. देन नेक्स्ट इज गुड्स, ओके. गुड्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, द प्रोडक्ट और द सर्विस विच यू आर सेलिंग और प्रोवाइडिंग, दैट इज योर गुड. देन वॉट इज परचेजेस? तो परचेज एंड सेल्स दे आर डिफरेंट, दे आर ऑपोजिट टू इच अदर, ओके. परचेज मीन्स यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम समवन, ओके. एंड देन वॉट इज रिसीप्ट्स? कैपिटल एंड रेवेन्यू. सो लाइक एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिमिलरली रिसीप्ट्स कैन ऑल्सो बी कैपिटल एंड रेवेन्यू, ओके. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. सो यू कैन जस्ट लेट मी नो कि यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Okay, so now we'll discuss these accounting concepts or conventions one by one, starting with the going concern concept. What is the going concern concept? It basically means that we assume, hum assume karte hain, that the business will go on forever. It will go on forever. We make this assumption that business is not going to stop. Business is not going to stop in the near future. It will go on for a long period of time. Okay, this is the meaning of going concern assumption. ठीक है? और इसी assumption के कारण, it is due to that assumption only that we divide our accounting books into yearly periods. We prepare accounts for 1 year period. Okay, that is called going concern concept. Then similar to this is अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सो वॉट इज द सिमिलैरिटी हियर? सिमिलैरिटी बेसिकली सेज दैट ड्यू टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, वी आर डिवाइडिंग आर अकाउंटिंग पीरियड इंटू ईयरली इंटरवल्स. वी डिवाइड आर अकाउंट इंटू ईयरली इंटरवल्स. इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली, बट जनरली हम ईयरली करते हैं. फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर अ कंपनी इट कैन बी क्वार्टरली ऑल्सो. कंपनी के लिए अलग चलता है, ओके. तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली जनरली इज फ्रॉम 1st April टू 31st March, विच इज योर फाइनेंशियल ईयर. बट इट कैन ऑल्सो बी कैलेंडर ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January टू 30th December, ओके. तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली वी डिवाइड आर बिजनेस लाइफ into yearly intervals so that it becomes easier for us to analyze our growth, to analyze our, you know, growth in revenues, growth in profit, or other analysis also, okay. After that, business entity concept. It means the owner and the business, these are two separate entities. Owner alag hai aur business alag hai. These two are separate entities. The owner is different from the business, okay. They are separate from each other. That is called business entity concept. So the books of account, they are made from the point of view of business. So business ke point of view se accounts ki books banti hain. They are not made from the point of view of owner. Rather, they are made from the point of view of business. Then money measurement concept says that we record only those transactions which can be recorded in money terms. So hum sari ki sari transactions ko मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट वी रिकॉर्ड एवरी एसेट, एवरी लाइबिलिटी, एवरी एक्सपेंस, एवरी रेवेन्यू एट द कॉस्ट प्राइस ओनली, ओके. सो जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, उसको हम कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज द बुक वैल्यू, ठीक है. एंड ग्रेजुअली अगर वो एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा. And gradually the value will reduce with depreciation if it is a asset, if it is a fixed asset, okay. So this is called historical cost concept, and this is it has some limitations also because it does not reflect the market value. Iski limitations bhi hai,
एंड दैट इज वाई इन द न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयर वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दोज वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, एंड आफ्टर दैट डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट. इट बेसिकली मीन्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स. दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं. दैट इज योर डबल एंट्री सिस्टम. वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, आफ्टर दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. इट बेसिकली सेज दैट वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज अर्नड. हम रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम रेवेन्यू को अर्न कर लेते हैं. हमें वी आर नॉट कंसर्न्ड वेदर वी हैव रिसीव्ड मनी और नॉट. वी आर ओनली कंसर्न्ड वेदर वी हैव अर्नड द रेवेन्यू और नॉट. हमने अर्न किया है देन ओनली वी विल बी रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल. ओके, व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल और मैचिंग कॉन्सेप्ट. इट सेज दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर शुड बी मैच्ड. मतलब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही एक्सपेंस शो करेंगे विच रिलेट टू दैट पर्टिकुलर ईयर. ओके, तो रेवेन्यूज और मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू दे शुड बी मैच्ड. मतलब यू विल नॉट रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर एडवांस कोई पेमेंट आपको मिली है उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे. यू विल सब्ट्रैक्ट या फिर कोई आपको यू नो प्रीवियस ईयर की इनकम मिल गई है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते. सो जो इनकम या जो एक्सपेंस आपने इस पर्टिकुलर ईयर में इनकर करा है वही आप शो करोगे. दैट इज ऑल्सो योर एक्रूअल कॉन्सेप्ट. ओके, एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट दीज आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. देन वन इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. इट सेज that each and every information which is important should be disclosed in the books of accounts. और अगर books of accounts में नहीं show कर सकते हो तो footnotes में show करेंगे. किस में show करेंगे? Footnotes में. Like contingent liability. Example, contingent liability, it is shown in the footnotes below the financial statements. Okay? Then a consistency concept says that if you are following a particular method or if you are following a particular policy, then you should not change your policy frequently. For example, if you are using written down value method of depreciation, depreciation hum discuss karenge detail mein. So there is a method called WDV method. So if you are following WDV method of depreciation, then you should not change your method frequently. You should keep your method or policy same. Okay. बट दिस डज नॉट मीन कि आप चेंज नहीं कर सकते. आपको चेंज तभी करना चाहिए जब व्हेन देयर इज अ रीजनेबल व्हेन देयर इज अ रीजन फॉर इट. लेट सपोज इफ इफ आईसीएआई चेंजेस द स्टैंडर्ड और इफ यू थिंक इट वुड बेटर रिफ्लेक्ट योर कंपनीज पोजिशन इफ यू चेंज द मेथड देन ओनली यू कैन चेंज. बट यू शुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली अदरवाइज कंपेरिजन नहीं हो पाएगा. ओके, एंड देन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. It basically says that recognize all future losses or expenses. Future में होने वाले जो भी आपको losses हैं या जो भी expenses हैं उनको आप आज ही record कर लो. Okay? This is called prudence or conservatism. जैसे कि हम हमारे घरों में देखते हैं our mother she basically keeps some food items for relatives जो हम लोगों को वो हमारी मदर नहीं देती है. Why? Because अगर suddenly कोई relative घर में आ जाता है so we should have some sufficient stock of some cold drinks or maybe some snacks. That is called prudence. Okay? So recognizing all future expenses but we do not recognize future profit. Future में होने वाले profit को हम recognize नहीं करते लेकिन हमें लगता है future में कुछ loss हो सकता है तो उसका एक एस्टिमेट लेके वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट यू विल रिकॉर्ड ओनली सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन. विच मीन्स अगर कोई बहुत छोटी अमाउंट है, लेट सपोज यू बॉट अ कैलकुलेटर ऑफ रुपीज 100, 100 रुपए का आपने कैलकुलेटर खरीदा. नाउ This calculator, although it is an asset, because ये calculator सालों साल चलेगा, कम से कम 5-6 साल तो चली जाएगा, 3-4 साल चल जाएगा, but this is a very insignificant amount, और अगर हम इस पे depreciation लगाएंगे, it will unnecessarily
क्रिएट अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, तो इट इज बेटर कि हम उस 100 रुपए को उसी साल में रिकॉर्ड कर लें. दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टर्म. फॉर अ स्मॉल कंपनी अ स्मॉल अमाउंट कैन बी मटेरियल, फॉर अ बिग कंपनी अ स्मॉल अमाउंट कैन बी इमेटेरियल. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी. वॉट इज ऑब्जेक्टिविटी? दैट देयर शुड नॉट बी एनी सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव. कोई पार्शियलिज्म नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आपको बेनिफिट कर रही है तो आप उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लो. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, सो दिस इज मोर ऑफ एन एथिकल कॉन्सेप्ट, राइट? आफ्टर दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देर आर टू इंपॉर्टेंट बेसिस, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फॉलो एक्रूअल बेसिस. जो स्मॉल बिजनेसेस हैं दे फॉलो कैश बेसिस. जो सिंगल ओनर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, जिनका छोटा बिजनेस है, दे माइट यूज कैश बेसिस. और मे बी द प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, ओके, आर्किटेक्ट्स और लॉयर्स, दे मे बी फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बट जनरली द बिजनेसेस फॉलो accrual basis of accounting. So till here, any sort of doubt you have, you can ask me. Now there are some features of both of these. First of all, understand the difference. Cash basis mein kya hota hai? In cash basis of accounting, you only record those transactions jisme cash ka inflow ya outflow hua hai. Cash aaya hai to it is a positive figure, cash gaya hai to negative figure. So cash basis is a very very simple way of accounting. Okay, but it does not follow matching principle. Why? Because aap us income ko bhi record kar rahe ho, us revenue ko bhi record kar rahe ho jo aapko advance mein mil gaya hai, but wo is saal ka nahi hai. Suppose aapko koi advance payment mil gayi hai kisi order ke liye, so this does not belong to the current year, but you are recording because it is a cash transaction. Okay, so it does not follow matching principle and it does not give a true and fair view of the business. True or fair view bhi nahi milta hai. True or fair view hume kya milta hai? Woh hume milta hai accrual basis mein. Accrual basis gives us a true and fair view. Why? Because under accrual basis, you are recording transactions based upon whether the revenue, whether the income is earned or whether the expenditure has become due. ठीक है? यहाँ पे criteria रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश नहीं होता है. द क्राइटेरिया इज दैट इफ यू हैव अर्नड द रेवेन्यू देन यू विल रिकॉर्ड, एंड इफ द एक्सपेंस हैज बिकम ड्यू देन यू विल रिकॉर्ड, इफ द लाइबिलिटी हैज बिकम ड्यू देन यू विल रिकॉर्ड. सो दिस इज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो इट इज नॉट सिंपल. कैश बेसिस इज सिंपल. दिस इज नॉट सिंपल बिकॉज वेरियस एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड. And quick appraisal of profit and loss is also not possible because this is a bit complex, but this is more accurate. This is more accurate. Okay. After that, very very important concept, accounting equation. What is accounting equation? ये सबको पता होना चाहिए. Very very important. So assets is equal to liabilities per plus capital. See, what is liability? Liability is internal liability. This is external. Liability means here, what is liability? Liability means external or outsider's liability, and capital means internal liability. You can also call them by these terms. Okay, so assets will be always equal to liabilities plus capital. Ye humko hamesha dhyan rakhna hai. So LHS is equal to RHS. To give you an example, so this equation, ye jo equation hai, ye hamesha ट्रू होगी. ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होल्ड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू ब्रॉट 1 lakh rupees एज कैश. तो कैश इज एन एसेट. कैश इज एन एसेट. तो आप 1 lakh rupees बिजनेस में लेके आए हो. सो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 lakh rupees आ जाएगा. लाइबिलिटीज विल नॉट चेंज एंड कैपिटल आपने 1 lakh rupees इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ लेट सपोज फ्रॉम दिस 1 lakh rupees you are purchasing goods of 50,000. 50,000 ke aap goods purchase kar rahe ho. Okay, so goods or you can say stock, whatever. So 50,000 ke aap goods purchase kar rahe ho, lekin 50,000 aap cash bhi to kharcha kar rahe ho. Okay, so this will be your equation. This will be your equation. Matlab ye minus karne ke baad kya bachega aapke paas? 50,000 cash bachega plus 50,000 ka stock ho jayega. This will be equal to 0 plus 1 lakh of capital.
Now your capital is divided into 50,000 cash and 50,000 stock. So this is how accounting equation is being done. Okay, I hope this is very, very clear. Moving on. Now there are some important rules of debit and credit. Debit और credit के कुछ important rules होते हैं, वो एक बार हम discuss कर लेते हैं. What are the important rules? These are very, very fundamental rules जो सबको पता होने चाहिए. Okay, तो यहां तक किसी को कुछ भी doubt है, okay, you can ask me anytime. So classification of accounts. See, accounts can be classified into personal accounts or impersonal accounts. This is the basic classification between personal and impersonal. Now what is personal? It can be classified into three categories: natural persons, artificial persons or representative persons, and impersonal accounts can be classified into real and nominal accounts. ठीक है, we will discuss them in detail. ठीक है, one by one. सबसे पहले what is a personal account? ठीक है, starting with natural person. Now what is a natural person? Let's suppose there is a debtor, कोई आपका debtor है, let's suppose Ram, कोई आपका creditor है, okay, let's suppose Sohan. So the accounts of these people, they are called natural persons. Or your capital account, drawings account, these are all natural persons. Now what is artificial persons? As the name suggests, it can be a company. It is not a natural person, it is an artificial person. A company, an organization, okay, it can be a bank. So all these will be artificial persons. Then what is a representative person? So the best example of a representative person can be outstanding, okay, outstanding salary, okay, or income received in advance. Agar aapne koi income advance mein receive kar li hai, okay, outstanding income, income accrued, okay, these all are examples of representative persons because they are representing a group of persons. Okay, so personal accounts can be classified into these three categories. Then after that, impersonal accounts, they are classified into real and nominal. Now what are real accounts? Real accounts are basically your assets, your fixed assets. Okay, so fixed assets or current assets. So they can be into tangible and intangible. Okay, so tangible में आपका क्या आ जाता है? Your land, building. Okay, land, building, machinery, furniture. Okay, so all these come under tangible goods, and intangible goods means patents, copyrights. Okay, all these are part of intangible goods. And what is nominal account? So nominal account is basically, what is nominal account? Examples of nominal account can be your, so all your expenses, all and all your revenue or income, all your income and expenses, they are part of nominal account, like salary account, okay, like rent account, like your purchase account. So purchase account and sales account, be very, very clear with this. Purchase account and sales account, they are also a part of nominal accounts only. Purchase account, sales account, rent account, salary account, commission account, okay, so all these are nominal accounts. So salary will come in the nominal account, but if I say outstanding salary, if I add any prefix or suffix to salary, that will become a representative account. Matlab main outstanding bol raha hu ya salary received in advance, all these things will be representative. So this is the basic classification. Now we will have a look at the rules. Once we discuss the rules, then we will end the session. Ye rules hum discuss karenge now, and from the next topic we will discuss in the Wednesday session. Aaj hum yahan pe khatam kar denge. So what are the rules of debit and credit? So in personal account, the rule is debit the receiver and credit the giver. The rule is debit the receiver, credit the giver. इसको हम next session में भी discuss करेंगे detail में, don't worry, अभी brief में बता रहा हूं. Then what is real account? Real account says debit what comes in, जो business के अंदर आ रहा है उसको debit, और credit कर दो what goes out. Okay, then what is nominal account? Nominal account says debit all expenses and losses, जो भी expenses हैं और जो losses हैं उनको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट
ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सो दीज आर द थ्री गोल्डन रूल्स जो सबको पता होने चाहिए, वेरी वेरी बेसिक स्टफ। एंड आफ्टर दैट अनदर क्लासिफिकेशन इज, दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ एसेट्स, यू कैन क्लासिफाई योर अकाउंट्स इनटू फाइव कैटेगरीज, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ओके, सो रूल क्या होता है फॉर एसेट्स, वॉट इज द रूल, यू विल डेबिट इफ द एसेट इज इंक्रीजिंग एंड यू विल क्रेडिट इफ द एसेट इज डिक्रीजिंग। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। फॉर लाइबिलिटी, यू विल डेबिट इफ द लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, यू विल क्रेडिट इफ द लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। फॉर कैपिटल, अगेन द सेम रूल, डेबिट इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग एंड क्रेडिट इफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग। फॉर रेवेन्यू, अगेन द सेम रूल, डेबिट इफ रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, इनकम इज डिक्रीजिंग, एंड क्रेडिट इफ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। ओके, एंड फाइनली लॉस और एक्सपेंस, तो लॉस और एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम चलेगा, लॉस का और एसेट का रूल सेम चलेगा। सो डेबिट इफ द एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड क्रेडिट इफ द एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग। सो द रूल फॉर एसेट एंड द रूल फॉर लॉस और एक्सपेंस दे आर सेम, एंड द रूल फॉर दीज रिमेनिंग थ्री दे आर सेम। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। दीज वर द बेसिक रूल्स, इनको हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू डिस्कस करेंगे डिटेल में इन आर वेडनेसडे क्लास, वेडनेसडे वाली क्लास में इनको हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल नाउ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी गाइज, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक, जो पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया। देखो थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं अभी, तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे, वी विल मूव टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन आवर फ्यूचर क्लासेस, बिकॉज सम स्टूडेंट्स मे बी फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, सो इट बिकम्स एसेंशियल टू कवर द बेसिक्स ऑल्सो। तो जो भी मैंने पढ़ाया है, वट एवर आई हैव टॉट यू इन टूडेज क्लास, दीज ऑल आर अवेलेबल इन क्लास 11th अकाउंटेंसी बुक्स, वेदर इट मे बी एनसीईआरटी बुक और इट कैन बी डीके गोयल और इट कैन बी टीएस ग्रेवाल, एनी 11th क्लास अकाउंटेंसी बुक, वहीं से मैंने पढ़ाया है आपको, राइट? तो इफ यू डू नॉट हैव एनी फर्दर डाउट्स देन वी कैन एंड द सेशन क्विकली। कुछ भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक आप बता सकते हो। टुमारो देयर विल बी अ डाउट क्लास, तो जो भी डाउट्स होंगे कल भी हम लोग ले लेंगे, वट एवर मे बी योर डाउट्स वी कैन टेक अप टुमारो ऑल्सो एट 8 PM ओनली। तो टाइम विल बी 8 PM, ऑल द सेशंस, ऑल माय सेशंस विल बी एट 8 PM ओनली। स्केड्यूल आप लोगों को मिल गया होगा, सो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल जो स्केड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस होगी, जिस दिन जो सा टॉपिक है वही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और कभी कुछ चेंज होगा तो आई विल गिव यू इंटीमेशन अबाउट दैट। ओके, सो इट्स बेटर कि जो क्लास होने वाली है अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे उसके लिए तो और बेनिफिट हो जाएगा, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स जस्ट अ सजेशन फॉर यू। टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज दैट विल lead to better understanding of the session. Okay, yes, so if we do not have any doubt then we can end the session guys. Okay, thank you very much, all the very best, we will be meeting again tomorrow. To jo bhi doubts honge hum log kal cover kar lenge at 8 PM only. Okay, goodbye, take care, have a good night. Okay, all the best.